मेरे सभी आदिवासी भाइयों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 बी लॉग पे आपका स्वागत है। तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि आज का वीलॉग के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अभी फूफू भी बोली और मेरे को भी पपीता खाने बहुत मन हो रहा है, और फिलहाल वैसे भी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2-2.5 बज रहे हैं, तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ बहुत गर्म लग रहा है हम लोग को। तो अभी मेरा पपीता खाने मन हो गया। तो गांव में देखिए यही फायदा है कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो सारा हम लोग के अड़ोसी पड़ोसी या फिर गांव के अंदर ही एकदम ऑर्गेनिक रूप से आपको मिल जाएगा। और फ्रेश फ्रेश का मतलब है कि आपको पेड़ से ही तोड़ के आप उसको डायरेक्ट उसको यूज में ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम आपको ले चलते हैं। अभी फूफू आई तो बोली है हम लोग की बहू, तो हम लोग जा रहे हैं अब उसी के पास पपीता तोड़ने। तो चलिए दिखाते हैं कि गांव में कोई भी फल सब्जी कितना फ्रेश मिलता है, और उसके लिए हम लोग को किसी शॉप का वेट नहीं करना पड़ता है जहां 2-3-4 दिन पहले लाया जाता है, हम लोग डायरेक्ट पेड़ से खाने वाले हैं। तो आदिवासी लोग की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, उनके फूड्स उनके फूड आइटम जितने भी हैं वो बहुत ऑर्गेनिक है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, रुकिए हम कैमरा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। थोड़ा फनी भी है जो कि मुझे लगा कि दिखाना चाहिए, मेरे घर का एक लोकेशन। तो देखिए है मेरी किटी, देखिए बेड में कैसे सो रही है, कितने आराम से सो रही है। किटी 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 ओ किटी किटी इधर देखो ओ किटी, देखिए देखिए देख सकते हैं आप किटी। अब इसको कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हम लोग के घर में, ना डर है नहीं, इसीलिए कितने आराम से सो रहा है। नहीं तो आमतौर पर बिल्लियां ऐसे सोती नहीं है। उसके बाद ये देखिए किटी, और दूसरी को देख सकते हैं आप, ये देखिए ये किटी से छोटी वाली है, इसका नाम है लूसी, जो कि अभी अभी आदत हुआ इसको हम लोग के साथ, ये उससे छोटी है, ये भी एकदम फनी तरीके से सो रही है। बस इसको कोई टेंशन नहीं है, पड़ गई हो ऐसा लग रहा है इसको, जैसे दूध पी रही है। लूसी लूसी कोई मतलब नहीं है, तो देख सकते हैं। तो चलिए और आगे देखिए मेरे चिंगना साहब, हम बाहर घूम के थक गए, तो अभी गर्मी है इसलिए घर आके लोग रेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे बैठे रहते दरवाजे जगह सब कोई जमा, और ये रहा मेरा सीजर, और वो रही फूफू, ये बोल रही है चलो तोड़ के आते हैं। तो चलिए व्यूअर्स हम तो चलिए व्यूअर्स फूफू को थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है, मगर इनको भी पपीता खाने मन है, जो कि अच्छा भी है, तबीयत खराब हो तो पपीता खाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पीछे ही हम लोग का घर है। तो हम लोग चलिए आपको ले चलते हैं हम लोग पपीता तोड़ने, और दिखाते हैं कि गांव देहात में हम लोग को कितना फ्रेश फूड मिलता है। चलिए ना कोई बात नहीं, ये तरह चलो सीधा आओ फटाफट चलो। तो व्यूअर्स हम लोग जा रहे हैं तोड़ने पपीता, एक मिनट हम गेट बंद कर देते, ये देखिए अब हम बाहर निकले तो ये लेके बाहर निकल गई, अब ये लोग फिर अंदर चला जाएगा, वहाँ बैठेगा क्योंकि बहुत गर्मी है। ये रही मेरी फूफू, और ये हम लोग का घर है, देख सकते हैं हम लोग अपने घर के जस्ट पीछे वाले घर में जा रहे हैं, हम लोग की बहू का घर है जहाँ के हम लोग को पपीता मिलने वाला है, फ्रेश ऑर्गेनिक पपीता बिना किसी पेस्टिसाइड को यूज़ किए। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड शहर में कहीं आपको नहीं मिल सकता है। तो हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं अपने उस प्रोडक्ट की खोज में, उस खजाने की खोज में जिसकी खोज में हम लोग निकले हैं। तो फूफू बात करके आ गई थी इसीलिए हम लोग, चलो सीजार कहाँ रुक गया तुम, चलो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं अपने पीछे पीछे के घर में, जहाँ हम लोग बहुत करवा रहती है, वो यहाँ पीछे गुड़गांव की करवा की, उनके पास भी मुर्गियाँ हैं, दिखाते हैं आपको मुर्गियाँ। सीजार ये हमारी मैया, नहीं तो मजा भाई की रखी इनका ची, और अभी घर अनकम्प्लीट नहीं है, उसमें भी मुर्गियां हैं, अगर आपको नहीं दिख रही है देखिए अब आपको शायद दिखाई दे। पापा रे चिना नाम की दाम क्या मिला जी, देखा
तो फूफू पहुंचाने लगी है पपीता। साला आराम से हनी मार, ऐसे ही गोट के ठीक तो है। चलिए हाँ उतार लीजिए, मत आक ना चिका। तो तोड़ लीजिए तब, अब इसको तोड़ दिया पहले तो है ना। हाँ तो हाँ जी मत्ता है, हाँ मत्ता है, तोड़ लीजिए उसको, नहीं तो फिर यहाँ होने लगेगा। क्या बोलते हैं इसको, का घुसोआ नया बल की जा का ही आकना। तो बोले तो तुरंत टूट रहा है, तो वो आपको नहीं तोड़ना था। अच्छा छोड़िए, चलिए तब चलिए चलिए निकलिए। तो व्यूअर्स देखिए तोड़ लिए, चलिए कहाँ दिखाइए इन साथ लाइट पड़ा अपना पूरा मजा ले लो इतना। चलिए 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 तब घर चलते हैं। सिजार चलो। तो व्यूअर्स हम लोग को देख सकते हैं मिल गया पपीता, और कितने ही फ्रेश पपीते हैं आप देख सकते हैं, और साथ के साथ ही उनकी फ्रेशनेस के साथ आप इनका साइज देखिए, इतने फ्रेश आपको किसी भी बाजार में नहीं मिलने वाले। यही है गांव की जिंदगी, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कौन कहता है कि आदिवासी गरीब है, वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और परिपूर्ण है उसकी जिंदगी। वो हमेशा फ्रेश खाता है, और अगर उसको प्रिजर्व भी करना होता है तो कोई भी सब चीजों को वो विदाउट प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करता है, ठीक है। तब देख सकते हैं हम लोग आ गए अपना घर, तो हम लोग को सिर्फ 5 मिनट लगा डायरेक्ट पेट से तोड़े, देख सकते हैं वाह फूफू खजाना हाथ लग गया आपने पहले, दूसरे को वेट नहीं किया जा रहा है। एक नंबर है पपीता, ओहो हो कलर देखिए पपीता का। हम तो भाई ये वाला बड़ा वाला, पर ये वाला पका हम इसको खाएंगे भी। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही फ्रेश पपीता, अगर इसको कम से कम 3 से 4 दिन भी रखिएगा तो ये खराब नहीं होगा। ये रहा हमारा सीजर जो हमारे साथ गया था। सीजर गर्मी लग रहा बेटा। तो फूफू कैसा लगा आपको ये, एकदम फ्रेश लग रहा है ना, और देखने से ही लग रहा है कुछ ज्यादा। इस बार का ये जो पपीता है ना मेरे को कुछ खास लगा, साइज भी बहुत अच्छा है, पका भी बहुत अच्छा है, और एकदम जिसको बोलते हैं इसकी फ्रेशनेस ना देखते ही बनती है कि नहीं। तो आपको लगता है मीठा होगा है ना, तो चलिए तब इसको जल्दी से जल्दी काटते हैं व्यूअर्स लोग। हाँ लास्ट ईयर, और अभी अगर हम लोग अच्छा चलिए तब इसको जल्दी से हम लोग काटते हैं और व्यूअर्स लोग के साथ बांटते हैं, दिखाते हैं व्यूअर्स लोग को कितना फ्रेश है। और अगर किसी व्यूअर्स को ऐसे ही फ्रेश पपीता तो ये तो हम लोग से संपर्क करें गांव मुंबई, और जब हमारा नंबर जो कि हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो हम लोग उनको ऐसे ही फ्रेश आके ले जा सकता है हम लोग से। चलिए ठीक है, चलिए 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 जब अंदर चलते हैं। हम लोग की मुर्गी लोग भी आ गई, तो बाकी छिलके तरफ तो मुर्गी लोग का होगा है ना। चलिए चलिए चलिए, नहीं आप ही छीलना शुरू कीजिए, हम तो वीडियो बनाएंगे आपका ना। आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही, बस जो हम लोग आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहते थे वो यही है कि शहरों के मुकाबले हमारे गाँव में कितना फ्रेश हम लोग को फल या सब्जियां मिल पाती हैं या उपलब्ध हो पाती है, उतना हम लोग शहर में उतना उपलब्ध और उतनी फ्रेश मिल पाना नियर बाय पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ जगह है आप लोग भी लगाते हैं तो एक देहात का माहौल आप क्रिएट करते हो। वैसे देहात में जैसे हम लोग आदिवासी लोग जितना भी हम लोग भाई लोग हैं, इन लोग को जितना फ्रेश कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़िए और खाते हैं, तो उतना आपको शहर में नहीं मिलता। बस हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि गाँव में क्या होता है। अगर मेरे को खाने का मन किया तो जैसे अभी मेरे को खाने का मन किया हम गए और जाके ले आए और खा लिया, डायरेक्ट आप पेड़ से उसको हार्वेस्टिंग कीजिए और यूज़ कीजिए, जबकि ऐसा शहर में नहीं हो पाता। शहर में आपको एक दिन डेढ़ दिन या कभी कभी तो कुछ घंटे पुराना ही मतलब मिलेगा, मतलब जितना फ्रेश आपको गांव में मिल पाता उतना फ्रेश नहीं मिल पाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।